ओके सो स्टार्ट करते हैं क्वालिटी। और क्वालिटी में हम लोगों ने पहले दूसरे लेक्चर में जो इंडेक्स था पूरा क्वालिटी का, लाइक पार्ट वन से लेकर के पार्ट 22 तक कितने आर्टिकल्स हैं, उनके बारे में हमने लेक्चर फर्स्ट में समझ लिया था। उसके बाद जितने भी शेड्यूल है, 12 शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसके बारे में भी हमने लेक्चर 2 में समझ लिया था। एक उसका क्विक रिविजन करेंगे और उसके बाद हम लोग आज पार्ट 1 के ऊपर प्रोसीड करेंगे। ठीक है, जैसे अगर कोई पूछेगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट है, पार्ट मतलब भाग, भाग तो 22। इन 22 भाग में, जैसे हर किताब में लेसन होता है, ये समझ लो लेसन की तरह है। ठीक है, लेसन की तरह है। इसमें कुल कितने आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स तो 395 आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल्स को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, अनुच्छेद, अनुच्छेद। ठीक है, 395 आर्टिकल। अब इसी 22 पार्ट के पहले कुछ पन्ने जोड़ दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसे कहते हैं हम लोग शेड्यूल, शेड्यूल। ठीक है, क्या कहते हैं, शेड्यूल, है ना। जैसे कि हम बात करते हैं हमारा लैंग्वेज 8th शेड्यूल में है, 8th शेड्यूल में है, तो ऐसे शेड्यूल की संख्या कितनी है, 12। ये सारा चीज डिस्कस किया हुआ है ना। ओके, अब चलो फटाक से हम लोग देख लेते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे, मैं यहाँ लिखूंगा पार्ट और यहाँ लिखूंगा आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल मुझे बताना पार्ट वन में कितने आर्टिकल है, 1 से 4, 2 में 5 से 11, 3 में 12 से 35, ठीक है 12 से 35, 4 में 36 से 51, ठीक है। फिर इसी का 4 का ए है, जिसमें 51 का ए है, डीपीएसपी वाला, है ना। फिर आएगा 5 में 52 से 151, ठीक है 52 से 151, सबसे बड़ा यही रहता है, इसको जिसने पढ़ लिया समझ लो आधा उसका क्वालिटी खत्म है। ठीक है, हाँ। उसके बाद 6 में 152 से 237, 152 से 237। फिर 7 में बात करेंगे तो 238, इसमें क्या है, बी स्टेट के बारे में चर्चा है, अच्छा बी स्टेट के बारे में चर्चा, ये जब मैं पार्ट वन पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा बी स्टेट क्या था। उस जो पार्ट है 7, उसको अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल दिया गया, क्योंकि ये बी स्टेट भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से खत्म हो गए हैं। अच्छा, अगर हम बात कर ले जैसे कि ये पार्ट वन जो है इसमें किसके बारे में चर्चा है, तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में चर्चा है। ठीक है, 5 से 11 में सिटीजनशिप है, 12 से 35 में फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, 36 से 51 की अगर हम बात करते हैं, 36 से 51, तो इसमें हमारे ये आ जाएंगे, क्या कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आ जाएंगे, डीपीएसपी। ठीक है, डीपीएसपी। उसके बाद 51A में हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज आ जाएंगे, फिर 52 से 151 में अगर हम बात करेंगे, 52 से 151 में सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाएगा पूरा का पूरा, चाहे लोकसभा, राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट, सब कुछ इसमें आ जाता है। फिर 152 से 237 में स्टेट गवर्नमेंट आ जाता है, 238 में बी स्टेट की चर्चा है, जो कि वो निकाल दिया गया है। ठीक है, फिर पार्ट आठ कहाँ से कहाँ तक रहेगा, तो 239 से 42 तक, इसमें यूनियन टेरिटरी की चर्चा है, फिर 9 की बात करेंगे तो 243 में एबीसी, इसमें पंचायत, म्युनिसिपैलिटी और कोऑपरेटिव्स की चर्चा है। ठीक है, पंचायत, म्युनिसिपैलिटी और कोऑपरेटिव्स। फिर पार्ट टेन आ जाएगा 244 में शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड इट्स एरिया, ठीक है 244 में। फिर पार्ट 11 आ जाएगा 245 से 263, मैं 63 शॉर्ट करने लिख रहा हूँ, जिसमें सेंटर स्टेट के बीच में रिलेशनशिप। फिर पार्ट 12 में 264 से लेकर के 300 तक, 300 में तीन चीजें कौन कौन सी, तो एक फाइनेंस, प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट, के बारे में इसमें हमें पढ़ना है। फिर हमें
पार्ट 13 आ जाएगा। पार्ट 13 में 301 से 307 तक, 301 से 307 तक इसमें ट्रेड कॉमर्स वगैरह की जो फ्रीडम चाहिए रहती है, वो फ्रीडम इसकी ट्रेड और कॉमर्स, ठीक है, ट्रेड और कॉमर्स, ट्रेड और कॉमर्स, ट्रेड और कॉमर्स की हमें फ्रीडम चाहिए रहता है। फिर अगर हम बात करते हैं पार्ट 14, तो 307 खत्म हो गया है, 308 से जो है ये 23 तक, 308 से 23 तक इसमें सर्विसेज की चर्चा है, सर्विसेज सेंटर की सर्विसेज, स्टेट की सर्विसेज, आईएएस आईपीएस यूपीएससी सब इसी में है, ठीक है। फिर पार्ट 15 आ जाता है, पार्ट 15 324 से तो ये आ जाएगा जो कि 29 तक, 324 से 29 तक इसमें इलेक्शन, ठीक है, इलेक्शन इलेक्शन। अब इलेक्शन जब होगा तो बात आएगी रिजर्वेशन की, रिजर्वेशन 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 किसकी आएगी, ऑफिशियल लैंग्वेज की, ऑफिशियल लैंग्वेज की, ऑफिशियल लैंग्वेज का जब से आ जाएगा तो आ जाएगा इमरजेंसी लग जाएगा, इमरजेंसी, ठीक है, इमरजेंसी। तो मैं एक ट्रिक के लिए बताया भी था कैसे याद करना है इसको, ठीक है। अब इसका आर्टिकल देख लेंगे तो ये आ जाएगा 330 से 42, 330 से 42, फिर 343 से 51, 343 से 51, फिर 352 से 60, 352 से 360 इमरजेंसी, फिर 361 से 67 मिसलेनियस आ जाता है। इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रोविजंस रहते हैं मिसलेनियस। और फिर 368 में अमेंडमेंट्स, अमेंडमेंट्स अमेंडमेंट्स, ठीक है, अमेंडमेंट्स। और फिर 369 से अगर हम बात करेंगे तो 92 तक, 369 से 92 तक इसमें टेम्परेरी है, टेम्परेरी प्रोविजंस, टेम्परेरी प्रोविजंस जो बहुत सारे इसमें खत्म हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे हमारा कितना पार्ट हो गया, अरे सॉरी पार्ट मैंने लिखना भूल गया, ये हो जाएगा 16 पार्ट, ये हो गया 17, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 21। हमने 21 पार्ट देख लिया। और 22वां पार्ट की अगर बात करूं तो 22वां में कुछ नहीं, पार्ट 22 में हमारा 393 से लेकर के 95 इसमें क्या है, शॉर्ट नेम्स, शॉर्ट नेम्स, ठीक है। ये इंडेक्स पूरा एकदम रटा होना चाहिए, याद हुआ रहना चाहिए, ठीक है, ताकि बार बार हम जैसे ही किसी पार्ट में घुसे हमें तुरंत ये आइडिया हो जाए भाई ये पार्ट में कहां से लेकर के कहां तक आर्टिकल्स हैं, तब हमें ना एग्जाम में याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। बस अगर हमें पार्ट और आर्टिकल्स भी याद रहे ना तो बहुत सारे कंसेप्ट इजिली हम लोग क्लियर कर सकते हैं, समझा है क्या, ओके। अब इसके बाद जैसे हमारा पहले लेक्चर में ये कंप्लीट हो गया था, उसके बाद हम बात करते हैं शेड्यूल्स की, शेड्यूल्स कितने शेड्यूल्स है टोटल, 12 है ना, 12। अब देखो पहले शेड्यूल में किसकी चर्चा है, तो भारत में जितने भी स्टेट हैं, मैं एक नंबर दो नंबर लिखूंगा उसमें स्टेट की चर्चा है, शेड्यूल वन में स्टेट्स की चर्चा है। फिर दूसरे की बात करें तो उसमें काम करने वाले लोग कितने सैलरी लेते हैं, कितना पाते हैं, सैलरी की चर्चा है। फिर तीसरे शेड्यूल में ओथ की चर्चा है, ठीक है, तीसरे शेड्यूल में ओथ की चर्चा है। चौथे शेड्यूल में सीट है, राज्यसभा की सीटें, सीट राज्यसभा की, ठीक है, राज्यसभा, राज्यसभा सीट की चर्चा है। फिर पांचवे में अगर हम बात करें तो शेड्यूल्ड जो एरियाज होते हैं एससी एसटी, एससी एसटी की चर्चा है पांच में। फिर छठवें की बात करें तो इसमें अदर शेड्यूल्ड एरिया जिसमें से मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, आसाम, उनमें जो रिजर्वेशन दिया जाता है, जो उनको स्पेशल प्रोविजन दिया जाता है, उसकी चर्चा शेड्यूल सिक्स में है, शेड्यूल सिक्स में है। सेवन की अगर हम बात करते हैं तो सेवन में क्या है, सेवन में तो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें से हम देखते हैं यूनियन लिस्ट होता है, स्टेट लिस्ट होता है, कंकरेंट लिस्ट होता है ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। और फिर शेड्यूल एट में तो हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज, कितने ऑफिशियल लैंग्वेज है भारत में, 22 ऑफिशियल लैंग्वेज। फिर नौ में बात करें, नाइन में तो लैंड रिफॉर्म के बारे में दिया है, लैंड रिफॉर्म। अब देखो आठ तक तो पहले था, नौ दस ग्यारह बारह ये सब अमेंडमेंट करके जोड़ा गया है, तो जैसे जैसे मैं आर्टिकल पढ़ाते जाऊंगा उसका कंसेप्ट बताते जाऊंगा ये सब चीजें आती जाएंगी, तो हमें अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, हम यहीं पर इसको निपटा देंगे, है ना। हाँ, नौ में लैंड रिफॉर्म। फिर दस की बात करें तो एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ। अब ये क्या है, आया राम गया राम, किसकी भी स्टोरी बताऊंगा जब मैं इलेक्शन
कमीशन वगैरह पढ़ाऊंगा, है ना, आर्टिकल 324 वगैरह पढ़ाऊंगा, तो इसमें समझाऊंगा पूरा अच्छे तरीके से। फिर 11 की बात करते हैं, तो शेड्यूल 11th में क्या हो जाएगा, तो भाई पंचायत की जो पावर है, पावर किसका, पंचायत का, ठीक है। और शेड्यूल 12 में इसमें भी पावर है किसका, म्यूनिसिपालिटी की, ठीक है, म्यूनिसिपालिटी, इन सबके पावर के बारे में चर्चा किया गया है। इतना चीज क्लियर है क्या? ओके, ठीक है, अगर नहीं रहेगा तो पहला दूसरा वाला वीडियो देख लेना, अच्छे से उसमें समझ में आ गया। बस तो याद करना है, ज्यादा इसमें कुछ कंसेप्ट है नहीं। अब हम लोग एंट्री मारते हैं Part 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, यहां पर Part 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका नाम क्या है, हेडिंग क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, इट्स टेरिटरी, ठीक है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। बताओ इसमें आर्टिकल कहां से कहां तक रहेंगे, आर्टिकल 1 से 4, ठीक है, आर्टिकल 1 से 4, ठीक है। अब समझते हैं हम लोग स्टोरी आगे की क्या कहता है ये एक्चुअली में, ठीक है। अब देखो आर्टिकल 1 कहता है, मैं लिखता हूँ आर्टिकल 1, जो भारत है ना, भारत वो राज्यों का संघ है, यानी इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, भारत क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, यानी बहुत सारे राज्यों का यूनियन है, यूनियन को हिंदी में कहते हैं संघ, ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं, संघ। अब देखो किसी दुनिया में ना, जब से देश बने, कॉन्टिनेंट बने, तब से धीरे धीरे 3 कंसेप्ट डेवलप हुए, एक जिसको हम कहते हैं कन्फेडरेशन, परिसंघ, दूसरा फेडरेशन, इसको भी संघ कहते हैं, और तीसरा होता है यूनियन, और इसको भी संघ कहते हैं। देखो कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट क्या होता है, एक होता है कन्फेडरेशन, दूसरा होता है फेडरेशन, और तीसरा होता है यूनियन, इसको हिंदी में कहते हैं परिसंघ, इसको कहते हैं संघ, और इसको भी कहते हैं संघ, ठीक है। अब जो हिंदी मीडियम वाले रहते हैं वो जैसे ही देखते हैं ऑप्शन में लिखा है संघ, उसको टिक मार देते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा है कि इंडिया इज अ डैश ऑफ स्टेट, उसमें लिख लिया है जैसे भारत डैश है किसका, राज्यों का डैश है, तो वहां अगर लिखा है संघ और तुमने मार दिया संघ, तब तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा, अगर ऑप्शन में दिया है यूनियन को, ठीक है, क्योंकि फेडरेशन का मतलब भी संघ है और यूनियन का मतलब भी संघ है, तो अगर ऑप्शन में यूनियन है तो तुम्हें क्या मारना है, यूनियन, ठीक है, और ऑप्शन में रहता है यूनियन और संघ दोनों रहता है, तो तुम किसको मारोगे, यूनियन को, ठीक है, यूनियन को, क्यों, अब इसके पीछे स्टोरी समझा दो। देखो कन्फेडरेशन किसी ऐसे राज्य को कहते हैं, किसी ऐसे देश को कहते हैं जो बहुत आसानी से टूट सकता है। जैसे जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने बताया था कि जर्मनी पहले 300 भागों में टूटा हुआ था, है ना, पहले छोटे छोटे 300 भागों में जर्मनी बटा हुआ था। उसके बाद बिस्मार्क आया और उसको, पहले तो नेपोलियन बोनापार्टे आया, उसको जो है 39 भाग में कर दिया, मतलब जो 300 थे उनको कूट काच के, कूट हार के मिला के 39 में कर दिया, और फिर बिस्मार्क आया उन सबको मिला करके एक बना दिया, समझ में आया। अब समझो अगर ये जो 300 थे ना, 300 ये 300 एक पूरे एरिया को कवर करते थे, ये कहलाते थे कन्फेडरेशन, कभी भी इसमें से कोई भी अलग हो सकता था, ठीक है, कोई बोलने वाला रहता नहीं। जैसे हमारे भारत में इंडिपेंडेंस से पहले अगर हम बात करें, जब राजा महाराजाओं का समय था, तो उसमें जैसे राजस्थान में राजस्थान का एरिया राजस्थानी राजाओं का, महाराष्ट्र में मराठा राजाओं का, सबका अपना अपना एक एरिया बटा हुआ था, किसी को किसी से कुछ लेना देना नहीं था,
संपूर्ण भारत क्या होता है किसी को इसकी कोई जो कि परिकल्पना ही नहीं थी, मतलब कोई सोच ही नहीं पा रहा था अच्छे से जब तक कि 1857 की क्रांति नहीं होती है कि नहीं। हाँ, तो ऐसी सिचुएशन को क्या कहते हैं हम लोग, कन्फेडरेशन। कन्फेडरेशन बहुत ही कमजोर होता है, उसमें के जो राज्य होते हैं वो आसानी से उस देश को छोड़ करके निकल सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, ठीक है। उसके बाद आता है फेडरेशन। फेडरेशन कन्फेडरेशन का एडवांस वर्जन है, वो थोड़ा स्ट्रांग होता है, उसमें राज्य आसानी से टूट करके नहीं निकल सकते हैं, ठीक है। इस फेडरेशन में क्या होता है, जो राज्य होते हैं वो अपनी थोड़ी 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 शक्तियां किसी एक स्टेट को दे करके पूरा एक देश बनाते हैं, जैसे सोवियत यूनियन या यूएसएसआर, यूएसएसआर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये एक क्या था, फेडरेशन था, जो 1991 में टूट गया 15 देशों में, उसका सबसे बड़ा भाग क्या बचा, रसिया, है ना, यानी फेडरेशन भी टूट सकता है। वैसे ही यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये भी क्या है, एक फेडरेशन है, फेडरेशन है। इसमें भी जो नीचे वाले कुछ राज्य होते हैं, कई बार चाहे फ्लोरिडा वाला सेक्शन हो गया या उसके नीचे वाले रीजन होते हैं, वो कई बार टूटने की कोशिश करते हैं, मतलब कहते हैं कि हमें अलग होना है, लेकिन यूएसए क्योंकि पावरफुल है। अब जैसे देखो, इस यूएसए में कुल 50 स्टेट हैं और 50 स्टेट आपस अपने आप में एक देश है, है ना। हम कहते हैं हमें वो ये सियाटल जाना है, या अगर हम कहेंगे कि जैसे उटा है, उटा अपने आप में एक देश है, नॉर्थ डकोटा अपने आप में एक देश है, समझ में आ रहा है, न्यूयॉर्क अपने आप में एक देश है। तो ये सारे के सारे मिल करके अपना पावर थोड़ा 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 दे करके एक देश बनाए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, समझ में आया क्या। तो यूएसए क्या है, कन्फेडरेशन है कि फेडरेशन, फेडरेशन है, फेडरेशन। और लेकिन भारत की बात करें तो भारत इनका बाप है, वो है यूनियन। भारत से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता है, यूनियन से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता है। तो कहेगा कि फेडरेशन, कन्फेडरेशन, फेडरेशन और यूनियन में सबसे ताकतवर, सबसे स्ट्रांग कौन होता है, यूनियन, ठीक है। सबसे स्ट्रांग होता है यूनियन, सबसे स्ट्रांग होता है यूनियन। इतना बात क्लियर हुआ, तो बताओ भारत राज्यों का क्या है, संघ है कि यूनियन है। भारत राज्यों का यूनियन है, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। कन्फेडरेशन, फेडरेशन और यूनियन का कंसेप्ट क्लियर है, क्या फर्क होता है कन्फेडरेशन, फेडरेशन और यूनियन में। ओके, इजीली ब्रेकेबल होते हैं, हाँ, ओके, हाँ। अब तो यूएसएसआर रहा नहीं, अभी यूएसए है, हाँ, जैसे वहां उनका इलेक्शन होता है तो एक ही प्रेसिडेंट बनता है ना, और वही पूरे जो कि यूनाइटेड स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, उनका व्हाइट हाउस एक ही पार्लियामेंट है। ऐसा नहीं होता कि न्यूयॉर्क में भी एक प्रेसिडेंट है या उटा में भी एक प्रेसिडेंट है, ऐसा तो नहीं है ना, मेयर होते हैं उनके शहर के ऐसे अलग अलग से, ठीक है। तो अगर और इजी भाषा में किसी को समझाना रहेगा कि कन्फेडरेशन, फेडरेशन और यूनियन में क्या फर्क है, तो उसको समझाना। जैसे हमारा पहले घर बनता है, तो दीवार जब खड़ी होती है तो पहले दीवार को ईंटों से जोड़ा जाता है, है ना, ईंट से जोड़ा जाता है। तो जब ईंट ईंट से जोड़ा जाता है तभी अगर हम चाहें तो किसी भी ईंट को निकालना तो आसानी से निकाल सकते हैं, जब खाली मसाला डाल के लगा कर रखा हुआ है ना, आराम से निकल जाएंगे। तो ये एक स्ट्रक्चर कैसा कहलाएगा, कन्फेडरेशन का, कि तुम इसे ठोक ठाक के ऐसे मतलब कि थोड़ा सा हिला दोगे, पावर दे दोगे, पैसा दे दोगे, तो वो लोग विद्रोह कर देंगे और निकल जाएंगे। लेकिन अगर इसी पर अब थोड़ा सा हम क्या कर दें,
मसाला लगा दे, पूरा सीमेंट वगैरह अच्छे से लगा दे, ठीक है, सीमेंट लगा दे, सीमेंट लगा दिए तो अब क्या हो गया, ये हो गया फेडरेशन। अगर इसको तोड़ना है तो उसको इसमें तुम्हें ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, ज्यादा सिक्योरिटी लगानी पड़ेगी, फोर्सेस अवेलेबल करवानी पड़ेगी, है कि नहीं। हाँ, अब अगर इसी दीवार के ऊपर बढ़िया टाइल्स वाइल्स लगा दो, क्या लगा दो, टाइल्स लगा दो, ठीक है। अब ये देखो दीवार हो गई है यूनियन। अगर तुम इसको इसके एक ईंट को निकालने की कोशिश करोगे ना तो पूरी दीवार खराब हो जाएगी, है कि नहीं। पहले तुम टाइल्स फोड़ो, टाइल्स फोड़ के फिर उसके बाद जो है इसका मसाला निकालो, फिर उसके ईंट को निकालो, तो तुम्हें कोई भी प्रॉपर ईंट नहीं निकलेगी, समझ आया क्या। निकलने को निकल जाएगा लेकिन सब टूटा फूटा बिखरा निकलेगा। कहने का मतलब क्या है, यूनियन से किसी राज्य को अगर अलग होना हुआ, अगर उसने जिद ठान लिया कि उसे अलग होना है, तो अलग होने को तो हो जाएगा लेकिन वो एक देश की तरह सरवाइव नहीं कर पाएगा, उसकी कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगी, समझ में आया। ओके, तो ये जो है आर्टिकल वन। आर्टिकल वन क्या कहता है, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, इतना क्लियर है। अब देखो जैसे जब हम बात करते हैं कि हमारे भारत में 28 राज्य हैं अभी के टाइम में, ठीक है, 28 राज्य हैं, तो भैया जैसे उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश या बिहार, ये भारत के राज्य हैं कि नहीं है, इनकी चर्चा कहीं ना कहीं लिखी होनी चाहिए, है ना। तो यही चीज मैंने बताया शेड्यूल वन, शेड्यूल वन, शेड्यूल वन में किसकी चर्चा है, स्टेट्स की, स्टेट्स एंड इट्स टेरिटरी की, वेरी वेरी की, ठीक है। जितने भी स्टेट्स हैं, तुम्हें अगर देखना है जाकर के क्या राजस्थान एक स्टेट है, तो हमारे शेड्यूल वन में जाओ, वहां पर देख लो, लिखा रहेगा राजस्थान के बारे में, कब बना, क्या नहीं हुआ, कैसे था, सारा का सारा इन्फॉर्मेशन शेड्यूल वन में मिल जाएगा, शेड्यूल वन में मिल जाएगा, इतना क्लियर है। अब देखो भारत को ना, भारत को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। अगर हम इंडिपेंडेंस के बाद अगर देखें, इंडिपेंडेंस के बाद, तो भारत को तीन भाग में डिवाइड किया गया है। किसमें किसमें, एक तो है स्टेट्स, ठीक है, स्टेट, कितने स्टेट्स हैं, 28, फिर यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी 8, है ना, यूनियन टेरिटरी 8, और एक सेक्शन बनाया गया है, उसको कहा गया है अक्वायर्ड लैंड, अक्वायर्ड लैंड, यानी कि भारत क्या कर सकता है, भविष्य में किसी भी दूसरे देश को कब्जा सकता है, और जब कब्जाएगा तो यहाँ पर वो नंबर आ जाएगा। अभी हमारे पास अक्वायर्ड लैंड है 0, ठीक है। अब जब अगर भारत का मन किया कि पाकिस्तान को कब्जा लो, पाकिस्तान को कब्जा लेंगे, और जब पाकिस्तान को कब्जा लेंगे तो यहाँ पर हमारा नंबर हो जाएगा 1, समझ में आया क्या। तो भारत, भारत को कितनी भागों में डिवाइड किया गया है, तीन भाग में, इंडिपेंडेंस के बाद तीन भाग में, एक स्टेट्स के फॉर्म में, दूसरा यूनियन टेरिटरी, और तीसरा अक्वायर्ड लैंड। अक्वायर्ड लैंड, क्या हमारे पास अभी कोई अक्वायर्ड लैंड है, नहीं, हमारे पास अभी कोई अक्वायर्ड लैंड नहीं है। तो ये आर्टिकल वन क्लियर हुआ पूरा, बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं आर्टिकल टू की तरफ। आर्टिकल, देखो आर्टिकल टू कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि पार्लियामेंट किसी भी फॉरेन कंट्री को भारत में मिला सकता है, समझा, पार्लियामेंट किसी भी फॉरेन कंट्री, फॉरेन कंट्री को भारत में क्या कर सकता है, मिला सकता है, मिला सकता है, मिला सकता है। ये किसमें कहा गया है, आर्टिकल टू, आर्टिकल टू, और इसी आर्टिकल के तहत भारत ने, 1974 में, ठीक है, सॉरी 1975 में, 16 में 1975 को सिक्किम पहले एक देश हुआ करता था, सिक्किम पहले एक देश हुआ करता था, सिक्किम को किसमें मिला लिया, भारत में,
और सिक्किम 16 मई 1975 को भारत का एक अभिन्न अंग हुआ जो 22वां राज्य बना था। ठीक है, 22वां राज्य, 22nd स्टेट कौन बना था? सिक्किम। सिक्किम देखो, अब जब सिक्किम भारत से मिला, और सिक्किम क्यों मिला भारत से, क्या हमने जबरदस्ती मिलाया? तो नहीं, इसके पीछे वजह थी कि यहाँ आराम से समझो स्टोरी, यहाँ है चाइना, देखो इधर था ये चाइना और इधर एक देश था तिब्बत। चाइना ने 1959 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया। कब कर लिया? कब? 1959 में। जब 1959 में कब्जा आया तो यहाँ के हर परिवार से एक एक सदस्य को ना ये बिखेर दिया, किसी को मंचूरिया भेज दिया, किसी को हांगकांग भेज दिया, किसी को वहां जो कि सिंजियान में भेज दिया, अलग अलग जगह पर भेज दिया, और तिब्बत में ही तिब्बत के लोगों की कमी हो गई। अब जब तिब्बत में तिब्बत के लोगों की कमी हो जाएगी तो क्या तिब्बत के लिए कोई आवाज उठाने वाला रहेगा? लोग को पहले मेरे दादा कहाँ गए, मेरे चाची कहाँ गई, मेरी मौसी कहाँ गई, मेरे पापा कहाँ गए, इन्हीं से आपस में उलझे रहेंगे। कोई ये सोचेगा कि हमें एक होकर के तिब्बत के बारे में आवाज उठाना है? नहीं। अब यही चीज देख करके सिक्किम सोचा तिब्बत इतना बड़ा था, चाइना ने उसको कब्जा लिया, मैं तो इतना छोटू सी हूँ, मेरे को तो मारेगा एक बार तो ही मैं मर जाऊंगा। तो इसने कहा भारत से कहा, देखिए भारत, आप हमें अपने में मिला लीजिए, लेकिन मिलाने से पहले एक वचन दीजिए कि हमारे यहाँ के लोगों को आप चाइना की तरह इधर उधर नहीं भेजेंगे। भारत ने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप आइए, भारत वसुधैव कुटुंबकम वाला देश है, यहाँ हम पूरी दुनिया को अपना जो कि परिवार मानते हैं, आप भी हमारे परिवार का हिस्सा बनिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिक्किम ने कहा कि ठीक है, पहले हम एक साल जो है आपका राज्य बनके देखेंगे कि हमारे लोगों को जमता है कि नहीं जमता है। तब भारत ने कहा ठीक है। तो उसके लिए भारत ने एक संशोधन किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। कौन सा संशोधन? तो 1974 में यह संशोधन हुआ, और वो संशोधन था 35th अमेंडमेंट एक्ट 1974। इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो सिक्किम था वो भारत का एक को स्टेट बना। क्या बना? को स्टेट, सह राज्य, पूरी तरीके से राज्य नहीं है, अभी साथ में रहने वाला राज्य। जैसे तुम्हारे रूम पार्टनर होंगी, तो क्या रूम पार्टनर तुम्हारे घर की सदस्य है? नहीं, वो तुम्हारे साथ में रहती है, तो तुम्हारी क्या कहेंगे उसको, को सहपाठी, हाँ ऐसी सहपाठी कहेंगे हिंदी में, तो सहपाठी है, ठीक है, साथ में पढ़ने वाली। तो वैसे ही सिक्किम पहले क्या बना? को स्टेट बना, सह राज्य बना, साथ में रहने वाला राज्य। फिर सिक्किम के लोगों ने देखा भारत के लोग बहुत अच्छे हैं, हमें जो कि कोई भेदभाव नहीं करते हैं, सबके साथ मिलजुल कर रहते हैं। तो फिर हुआ 32nd अमेंडमेंट एक्ट, 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975, और 16 मई 1975 को जो सिक्किम था वो भारत का कौन सा राज्य बन गया? 22वां राज्य बन गया, 22वां राज्य बन गया। तो आर्टिकल 2 में क्या कहा है? पार्लियामेंट हैज पावर टू अक्वायर एनी फॉरेन कंट्री विद इन इंडिया। समझ में आया? ओके, पार्लियामेंट हैज पावर टू एड एनी फॉरेन कंट्री टू इंडिया। इतना क्लियर हुआ? ओके, बहुत बढ़िया। अब आते हैं आर्टिकल 3 पर। आर्टिकल 3 देखो, आर्टिकल 3 कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि अपने देश के अंदर के जो राज्य हैं, उन राज्यों को पार्लियामेंट चाहे तो तोड़ सकता है, उनका नाम बदल सकता है, उनकी बॉर्डर को डिसाइड कर सकता है। समझ में आया? क्या कहता है आर्टिकल 3? पार्लियामेंट कैन चेंज नेम एंड
टेरिटोरी, ठीक है, बॉर्डर वगैरह को, बॉर्डर वगैरह को कौन चेंज कर सकता है? पार्लियामेंट, पार्लियामेंट चेंज कर सकती है, इसमें कोई दिक्कत? अब देखो कैसे कैसे, इसका कोई एग्जांपल दिमाग में है क्या? जैसे, अरे हाँ ठीक है, प्रयागराज जो है तो नाम चेंज होते रहता है, यूपी का नाम रख करके जो है योगी प्रदेश रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बोलने वाला है नहीं। बिहार का नाम, हाँ, तेलंगाना को भी तोड़ा गया 2014 में, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को तोड़ दिया गया, क्या किसी ने कुछ कहा? नहीं। देखो अब इसमें कहा गया है कि जब भी पार्लियामेंट ऐसा करेगी ना, वो अगर किसी स्टेट को तोड़ रही है तो उस स्टेट से पूछेगी भी नहीं कि हम तुमको तोड़ रहे हैं, सीधा बिल पास कराएगी और जाके तोड़ता देगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें लिखा है आर्टिकल 3 में इसका हम एग्जांपल कैसे देंगे, जैसे कि हमने देखा 2014 में आंध्र प्रदेश से किसे तोड़ दिया गया, मैं इसमें दिखा देता हूँ, ये है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को तोड़ दिया गया 2014 में। सन 2000 में कई सारे राज्यों को अलग किया गया था, जैसे उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को तोड़ दिया गया, उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से तोड़ा गया था 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड को किससे तोड़ा गया? उत्तर प्रदेश से। मध्य प्रदेश से किसको तोड़ा गया छत्तीसगढ़ को कब? 1 नवंबर 2000 को 9 नवंबर 2000 को किसको तोड़ा गया था? उत्तराखंड को, किससे? उत्तर प्रदेश से, यूपी से, ठीक है। और 1, 9 और 15 नवंबर को बिहार से झारखंड को तोड़ दिया गया, 15 नवंबर को बिहार से झारखंड को तोड़ दिया गया था, बात समझ में आ रहा क्या? 1 नवंबर को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को, 9 नवंबर को जो है उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से, और जो है 15 नवंबर को झारखंड को बिहार से अलग कर दिया गया, क्या किसी ने ऊंचा किया? नहीं। तो ये अपने देश के अंदर ही तोड़ फोड़ करने की ताकत किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। क्या पार्लियामेंट ऐसा करने के लिए उस पर्टिकुलर स्टेट से परमिशन लेगी? नहीं। जैसे आने वाले कुछ टाइम में अगर तुम देखोगे तो जो महाराष्ट्र का ये ईस्टर्न पार्ट है, ये एरिया विदर्भ के नाम से अलग हो जाएगा, समझ आ रहा है? हाँ। तो क्या महाराष्ट्र गवर्नमेंट से इसके लिए परमिशन लिया जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। इतना चीज क्लियर हुआ? आर्टिकल 3 समझ में आ गया? बताओ आर्टिकल 1 क्या कहता है, फटाफट क्विक रिवीजन। आर्टिकल 1 क्या कहता है? इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 2 क्या कहता है? पार्लियामेंट हैज पावर टू एड फॉरेन कंट्री विद इन इंडिया। आर्टिकल 3 क्या कहता है? पार्लियामेंट अपने ही देश के अंदर के राज्यों को तोड़ फोड़ सकता है, उसका नेम चेंज कर सकता है, बॉर्डर चेंज कर सकता है विदाउट कंसेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। है क्लियर? ओके, अब देखो आर्टिकल 4 समझ लेते हैं फटाक से। आर्टिकल 4 कहता है कि जब भी पार्लियामेंट आर्टिकल 2 और 3 का इस्तेमाल करेगी, ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे इतना खास भी नहीं है। कहता है कि पार्लियामेंट जब भी आर्टिकल 2 और 3 का इस्तेमाल करेगी, उसके लिए प्रेसिडेंट उसे रोक नहीं सकते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट उसे रोक नहीं सकते हैं। अगर प्रेसिडेंट उसे रोकते हैं तो प्रेसिडेंट पर इम्पीचमेंट किया जा सकता है। इम्पीचमेंट क्या होता है, जब मैं प्रेसिडेंट पढ़ाऊंगा तब, प्रेसिडेंट को अपने पद से हटा देना इम्पीचमेंट कहलाता है, ठीक है, हाँ, प्रेसिडेंट को अपने पद से हटा देना इम्पीचमेंट कहलाता है, उन पर उनको इम्पीचमेंट करके हटाया जा सकता है। तो बताओ पार्लियामेंट को इतनी पावर दी गई है, जब वो आर्टिकल 2 और 3 का इस्तेमाल करेगा तो क्या प्रेसिडेंट उसे रोक सकते हैं?
नहीं रोक सकते हैं, प्रेसिडेंट उसे नहीं रोक सकते हैं। इतनी बात क्लियर हुई? ओके, देखो प्रेसिडेंट को एक प्रायर नोटिस दे दी जाती है कि देखिए प्रेसिडेंट साहब, मैं मतलब जो भी पार्लियामेंट में रहेगा, जिसकी सरकार रहेगी, वो कहेगा कि प्रेसिडेंट को मैं जा रहा हूँ अभी उत्तर प्रदेश का नाम बदल के उसको प्रयागराज रख दूंगा। प्रेसिडेंट कहेंगे ठीक है जाओ, मैं तो कुछ कर नहीं सकता हूँ, तो चला जाएगा, कर देगा। इसके लिए कहा गया है कि जो पार्लियामेंट में, अब ऐसे तो करना नहीं पड़ेगा, वोटिंग करवानी पड़ेगी, है ना, तो इसमें सिंपल मेजोरिटी चाहिए रहती है। सिंपल मेजोरिटी, इतनी मेजोरिटी सिंपल यानी 50% + 1 वोट, 50% + 1 वोट, यानी अगर 542 सीट हैं लोकसभा में तो लगभग 273 सीट अगर गवर्नमेंट के पास रहेंगे तो आसानी से वो किसी भी राज्य में तहलका मचा सकता है, तोड़फोड़ कर सकता है, नाम चेंज कर सकता है, बॉर्डर को रीऑर्गेनाइज्ड कर सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आर्टिकल 1, 2, 3, 4 समझ में आया? ठीक है, देखो अब जैसे मैंने पार्ट वन में जितने भी आर्टिकल थे वो मैंने समझा दिया, उसके अंदर क्या क्या लिखा वो बता दिया। अभी तो जो भारत इतना सुंदर अभी हमारा भारत दिख रहा है ना, इसके पीछे की पूरी कहानी समझनी पड़ेगी कि पहले इंडिपेंडेंस से पहले जो भारत था वो कैसा था, ठीक है, और उसके बाद जब अंग्रेज इसे छोड़ के गए तो कितने भागों में इसे बटा हुआ था, कब अफगानिस्तान अलग हुआ भारत से, पाकिस्तान कब अलग हुआ, डूरंड लाइन कब खींची गई, ठीक है, या म्यांमार को, हमारा जो पार्ट था म्यांमार को कब अलग किया गया, भारत में कितने प्रिंसली स्टेट थे, उन्हें इंटीग्रेट करने का काम किसको दिया गया, किस तरीके से गुजरात वाला जो ये था एरिया था उसको, जूनागढ़ का जो एरिया था उसको भारत में मिलाया गया, कैसे हैदराबाद नौटंकी कर रहा था उसे मिलाया गया, किस तरीके से ये जम्मू कश्मीर वाला था, हरि सिंह की कहानी क्या है, कैसे वो मिलना नहीं चाहता था, उसके बाद उसका शेख अब्दुल्ला जो है उसकी क्या कहानी है, इस सारा का सारा स्टोरी अभी पढ़ना है। जब वो क्लियर हो जाएगा, पढ़ लोगे, तब हमारा पार्ट वन कंप्लीट हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, अभी इसको रिवीजन मारते रहो, हम नेक्स्ट लेक्चर में ये सारी की सारी जो चीजें बची हुई है उसको कवर करेंगे, ठीक है।